हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको दो बैंकों के बारे में बताऊंगी। उसमें सबसे पहला होता है संग्राहक बैंक का। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको हम दो प्रकार के, कई प्रकार के होते हैं। उसमें आपको यह देखना है संग्राहक बैंकर और शोधी बैंकर। तो संग्राहक बैंकर और शोधी बैंकर जो दो प्रकार के बैंक होते हैं, लोगों में उनका कन्फ्यूजन होता है कि रियल में क्या है। एक आपका संग्राहक, दूसरा है आपका शोधी। कि सपोज कीजिए मैंने एक चेक लिखा और मेरा जो खाता है वो आईसीआई में है, और ये जो मैं चेक दे रही हूँ जिस पर्सन को, उसका अकाउंट है एसबीआई में। अब आप देखिए कि मैंने जो चेक दिया है किसी पर्सन को, जो भी यहाँ मेरे यहाँ काम कर रहा है उसको, तो मैंने मेरी आईसीआईसी की पासबुक से लिख करके चेक उसको दे दिया, और जिस पर्सन को मैंने चेक दिया है उसका अकाउंट है एसबीआई में। अब यहाँ क्या होता है कि ये पर्सन जो है मुझसे चेक लेके जाता है, तो आपको यहाँ ये देखना है कि संग्राहक बैंकर मीन्स कलेक्टिंग बैंकर्स होता है, और शोधी बैंकर मीन्स पेइंग बैंकर होता है। पैसा जो विड्रॉल होगा वो आईसीआईसी से होगा, और विड्रॉल करने का जो काम किया जाएगा वो एसबीआई के थ्रू किया जाएगा। तो संग्राहक बैंकर से हमारा तात्पर्य एक ऐसे बैंकर से होता है जो कस्टमर के लिए जो होता है पैसे को कलेक्ट करता है। कि हमारे यहाँ बहुत सारे चेक्स आते हैं, हम चेक को कलेक्टिंग बॉक्स में डाल के आ जाते हैं, कलेक्शन बॉक्स में, और फिर वहां से वो बैंक जो पर्टिकुलर हमारा बैंक होता है वो पैसा निकाल करके और वहां से हमारे खाते में उसको डाल देता है। तो ऐसे बैंक को हम संग्राहक बैंकर के नाम से जानते हैं। अब संग्राहक बैंकर में क्या होता है कि सपोज कीजिए ये मेरा चेक उसके पास गया, और अगर संग्रहण से पूर्व ही बैंक इस राशि को मेरे खाते में जमा कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि पैसा तो अभी आया ही नहीं है, और पैसा नहीं आया उससे पहले ही बैंक ने कस्टमर को परमिशन दे दी, उसके खाते में पैसा डाल दिया और उसको आहरण की अनुमति प्रदान कर देता है बैंक। तो बैंक जो होता है संग्रहण को दो प्रकार करता है, पहला होता है एजेंट के रूप में, दूसरा होता है धारक के रूप में। तो इस कंडीशन में बैंक जो कलेक्शन करेगा वो धारक के रूप में करेगा। बैंक अब इस पैसे का यहाँ धारक हो जाता है क्योंकि उसने मेरे खाते में पहले से ही राशि जमा करा दी है, और अब उसकी मुझे आहरण की अनुमति देती है, मैंने वो पैसा मेरे खाते से विड्रॉल कर लिया है, अब बैंक उसका कलेक्शन कर रहा है, तो बैंक यहाँ मूल्य के लिए धारक होगा। और सपोज कीजिए कि बैंक ने कलेक्ट डायरेक्ट जब एसबीआई से यहाँ से पैसा आएगा, एसबीआई कस्टमर के खाते में जमा करेगा। तो जब तक पैसा नहीं आता है बैंक ग्राहक के खाते में जमा नहीं करता है, तो वो एज एन एजेंट जो है वो काम करता है। तो संग्राहक बैंकर अपने ग्राहक के लिए दो प्रकार से काम करते हैं, मूल्य के लिए धारक के रूप में, और एक होता है एजेंट के रूप में। सिंपल, सभी बैंक एजेंट के रूप में ही कार्य करते हैं, मूल्य के लिए धारक के रूप में बहुत कम बैंक काम करते हैं। जब तक वहां से हमारा पैसा नहीं आएगा यहाँ से, तब तक बैंक जो है एसबीआई का जो वो होल्डर है उसके खाते में पैसा जमा नहीं करेगा। अब जो बैंक को चेक होते हैं वो सबसे पहला होता है कि अन्यत्र देय चेक। इट मीन्स ये जो पर्टिकुलर चेक है वो अजमेर से बीकानेर है, अहमदाबाद से बेंगलोर का है, चेक जो होता है वो कहीं और से पे किया जाएगा, किसी और बैंक का है, उसका इनसाइड द जो है इस सिटी में उसका पेमेंट ही पॉसिबल नहीं है, कहीं और से पैसा लाना है। तो बैंक ऐसी कंडीशन में क्या करता है, पहले से ही हमारे को जो कस्टमर होता है उसको पैसा दे देता है, और चेक के मूल्य का धारक जो है वो क्या करता है, विड्रॉल कर लेता है, पैसा कर लेता है। यहाँ बैंक ने पहले से ही पैसा डाल दिया कस्टमर के खाते में, और चेक का जो मूल्य का जो धारक है एटलीस्ट उसने उसका पेमेंट निकाल लिया है। अब अगर बैंक को भुगतान नहीं मिलता है, सपोज कीजिए उस दूसरी सिटी से, बेंगलोर से पैसा नहीं आ रहा है, तो बैंक पहले से ही एक लिखित में ऐसा वो करवा लेता है अनुबंध कि अगर पैसा नहीं मिला तो वापस वो ग्राहक से पुनः राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ऐसी कंडीशन में बैंक को जो पैसा उसने कस्टमर को दिया है वो वापस प्राप्त करने का लीगल राइट होता है ऐसी कंडीशन में। दूसरा, खाते में राशि जमा करना, कि पैसा आएगा और आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। दूसरा प्रकार ये होता है कि जैसे ही पैसा मिलता है या तो तब आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा, या अभी पहले से ही आपके खाते में जमा कर दिया जाता है और पैसा वहां से वो धारक के रूप में फिर बैंक उसको प्राप्त कर लेगा, एक कंडीशन ये हो सके। तीसरी कंडीशन ये होती है कि बैंक ने आपको पैसा दे दिया, आपके खाते में जमा कर दिया, आपने विड्रॉल कर लिया, अब बैंक क्या करेगा उस पैसे से, आपका जो ओवरड्राफ्ट है, अगर आपने आपके खाते में पैसा जमा नहीं कर रहा बैंक, आपका जो चेक का पैसा आ रहा है, थर्ड में अधिविकर्ष को एक बार वापस समझिए। अधिविकर्ष को कम करने का मतलब आपने बैंक से ओडी की फैसिलिटी ले रखी है,
ओवरड्राफ्ट ले रखा है 50,000 रुपीज का, ओवरड्राफ्ट आपके खाते में चल रहा है, और ये जो चेक आया है वो 40,000 का है, तो बैंक क्या करेगा, 40,000 का पेमेंट आपका SBI से ले लेगा, ICICI से ले लेगा, और ICICI से लेकर के आपके इसको 40,000 से ओडी को रिड्यूस कर देगा, और ये 10,000 रुपीज की ओडी जो है वो आपकी रहेगी। तो बैंक ऐसा भी कर सकता है कि वो ओवरड्राफ्ट को कम कर दे, बट ये कस्टमर की लीगल कंडीशंस होती है, रिटर्न कंडीशन होती है, तब जा रिटर्न कंडीशन तब तक नहीं हो तब तक ऐसा नहीं करता। तो बैंक तीन प्रकार से आपके लिए इन चेकों का कलेक्शन करता है। अब है कि संग्राहक बैंकर के संरक्षण की ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहां बैंक को प्रोटेक्शंस मिलती है। तो सबसे पहले चेक रेखांकित, तो पहली कंडीशन है कि बैंक जो भी जिस भी चेक को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्शन का काम कर रहा है, एटलीस्ट उस चेक का रेखांकन होना कंपलसरी है, उस पर क्रॉसिंग होना कंपलसरी है। जब तक क्रॉसिंग नहीं होगी तब तक बैंक को कोई प्रिविलेज, कोई जो है लीगल राइट्स नहीं मिलेगा। तो बैंक को यह ध्यान रखना चाहिए, अगर चेक रेखांकित था और उसने रेखांकित चेक का पेमेंट कलेक्ट किया है तो बैंक को संरक्षण मिलेगा। दूसरी कंडीशन होती है ग्राहक के लिए संरक्षण, कि बैंक ने केवल मात्र अपने कस्टमर के लिए कलेक्शन किया है, जो उसका कस्टमर है उसने अकाउंट ओपन कर रखा है, तो बैंक को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर किसी अजनबी के लिए बैंक जो है वो सिलेक्शन कलेक्शन का काम कर रहा है तो बैंक को किसी तरह का कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो केवल बैंक जब अपने ग्राहकों के लिए उनका जो चेक, उनको जो चेक मिले हैं उनका पैसा कहीं और से कलेक्ट कर करके ग्राहक के खाते में जमा करता है तो बैंक को संरक्षण प्राप्त होता है। तीसरा होता है सद्विश्वास व सावधानी से, कि बैंक ने फुल प्रिकॉशन रखी है, पूरी केयर करी है, आपने कलेक्शन बॉक्स में डाला है, टाइम पे उसको निकाला है, उसको जो है टाइम से उस जो पैसा आपका है जहां से आपका हुआ आया है वहां से पैसा ला करके आपके खाते में बैंक ने टाइम पे जमा किया है, और जब उसने आपका अकाउंट ओपन किया था तब भी बैंक ने पूरी सावधानी बरती थी, आपसे पूरा प्रूफ लिया, साइन करवाया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। तो बैंक अगर पूरी सावधानी और सद्विश्वास के साथ कस्टमर के साथ काम कर रहा है कलेक्शन का, तो बैंक को जो है वो प्रिविलेज जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। अब है कि बैंक के कौन कौन से कर्तव्य है। जो संग्राहक बैंकर है उसका कर्तव्य है कि सबसे पहले संग्रहण के लिए प्रस्तुत करते समय उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी वो कलेक्शन के लिए देखता है तो उसको पहले चेक करना चाहिए कि इस बैंक इस चेक को कलेक्शन के लिए कहाँ भेजना है, कैसा करना है, और कहाँ से ला करके पैसा उसको कलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरी होती है कि समय पर ही संग्रहण की प्रस्तुति, कि जैसे ही आपका कलेक्शन बॉक्स से निकलता है समय पर वो क्या करेगा, कलेक्शन करने का काम जहाँ जहाँ से आपके आए हैं अकाउंट, टाइम पर उनको वहाँ प्रेजेंट कर देगा। कि जैसे उसने मैंने ICICI का चेक उसको दिया SBI को, तो SBI जो बैंक है वो कलेक्टिंग बैंकर है, तो SBI को उसको समय पर कलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी लीगल हमारी गवर्नमेंट ने दे रखी है कि 48 आवर्स है या 24 आवर्स है, तो उसी में उसको जो है कलेक्शन के लिए उनको प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर वो चेक डिसऑनर हो गया है, जैसे मैंने यहाँ दिया इनको चेक, अब इन्होंने डाला कलेक्शन के लिए, तो अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो SBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस पर्सन को मैंने चेक दिया उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रभाव से दे कि आपको जो चेक मिला है वो डिसऑनर हो गया, उसका पेमेंट, उसका कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये बैंक का कर्तव्य होता है कि जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाए वो कस्टमर को सूचित कर दे। उसके बाद आता है कि भुगतान प्राप्त होते ही ग्राहक के खाते में जमा करना। जैसे ही पैसा आता है ICICI से, जैसे ही पैसा आया SBI बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कस्टमर के खाते में तुरंत प्रभाव से वो पैसा जो है वो जमा कर दे। उसके बाद केवल ग्राहकों के लिए संग्रहण, और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये काम केवल मात्र अपने कस्टमर के लिए करना चाहिए, दूसरे अजनबी लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के लिए काम किया तो कोर्ट उसको जो है वो प्रिविलेज देगा, लीगल प्रोटेक्शंस मिलेगी, वरना उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और वो कंपनसेशन के लिए और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। उसके बाद बैंक को ये सावधानी रखनी चाहिए कि चेक हमेशा क्रॉस डोर क्रॉस चेक का ही वो कलेक्शन करने का काम करे, ताकि उसमें सेफ्टी रहती है कि जिसका नाम लिखा उसके खाते में पैसे आपको जमा करने होते हैं। और बैंक को जहां तक हो सके मूल्य के धारक के रूप में कलेक्शन नहीं कर करके एजेंट के रूप में कलेक्शन करना चाहिए। एजेंट के रूप में कलेक्शन करने में सेफ्टी रहती है, अगर उसने मूल्य के धारक के रूप में प्राप्त किया और यहाँ अगर उसको पैसा नहीं मिला तो उसको वो राशि पुनः कस्टमर से प्राप्त करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस
करनी पड़ सकती है। तो द बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक का ये कर्तव्य है कि वो केवल मात्र एज एन एजेंट के रूप में जो फंक्शंस है उसी में उसका काम करे। तो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्शन बैंकर्स।